नए नए ज्ञान की धारा प्राप्त करने के लिए एवं जीवन को सुखमय बनाने के लिए जुड़े गुरुदेव जी के इस चैनल से और करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर तथा बेल आइकन के बटन को दबाकर पाएं नए नए वीडियो के अपडेट। और रामायण कहती है कि हम सेवक परिवार समेता, केवल आप अकेले भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति पूर्ण सार्थक नहीं होगी। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी बेटी, जब ये पूरा परिवार भक्ति करेगा तो याद रखना आपके परिवार के संस्कार शुद्ध होंगे, और संस्कार शुद्ध होंगे तो वहाँ पर स्वर्ग अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है कि बच्चे आपके चाहे जहाँ पढ़ते हो, साल में दो बार उनको सत्संग में जरूर ले जाइए, सत्संग सुनवाइए, गुरु का दर्शन कराइए, गुरु के चरण छूने का मौका दीजिए, गुरु की आरती करें और गुरु की वाणी सुने। धीरे धीरे आपके बच्चे भी आप जैसे पवित्र होकर आपकी छाया बनकर और आपके साथ कदम में कदम मिलाकर सुख का निर्माण करेंगे, स्वर्ग का निर्माण करेंगे। आप जीवन में झांक कर देख लो, दुख कहां से आ रहा है, दुख कहां से आ रहा है। सबसे पहले दुख आप देखेंगे जो आपके जितना निकट का संबंधी है उससे ही दुख आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उससे सुख मिलने की आशा थी कि इससे सुख मिलेगा, और वहां से दुख शुरू हो गया। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जब आपके मन के अनुकूल होता है तब तुम सुख एहसास करते हो, जब तुम्हारे मन के प्रतिकूल होता है तब तुम दुख एहसास करते हो। तुम आलू परवल की सूखी सब्जी खाना चाहते हो लेकिन बनाने वाले ने रसेदार सब्जी बना दिया, पानी डाल दिया, रसा कर दिया, रसदार है आलू परवल ही, तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है। तुम कहते हो अरे सब्जी में तो सब पानी भर दिया आपने, हालांकि भोजन करते समय पानी पी रहे हो आप गिलास से, लेकिन सब्जी में पानी पसंद नहीं, क्योंकि आप अपने मन का चाहते हो। और ये दुनिया का फार्मूला है, यहां मनचाही नहीं होती है, अनचाही होती है। जो तुम चाहते हो वो नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हो वही होता है। ये दुनिया की परिभाषा है, दुनिया का रिजल्ट यही है। यहां जो जो तुम चाहते हो वो होता ही नहीं है, और जो कभी नहीं चाहते वो अभी हो जाता है। जय 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 हो, जय हो। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं बीजक में 84 नंबर रमैनी में कहा है, ये जियरा तई अपने दुख ही संभार। हे जीव, तू अपने आप को दुखों से
संभाल, दुखों से बचा। संसार में दुख है, लेकिन दुख से बचने की तरकीब भी है। गर्मी है, गर्मी से बचने की तरकीब भी है। हाथ से पंखा डोला लो, एक एक पंखा लेकर सबको आना चाहिए। हाथ से पंखा डोला लो, फिर सीलिंग फैन लगा लो, कूलर लगा लो, एसी लगा लो, या कि कुल्लू मनाली चले जाओ, हिमालय पर चले जाओ। तो इसमें क्या सरल है? सबसे सरल है हाथ से चलाने वाला पंखा। उसमें बिजली चली जाए तो भी झंझट नहीं, और जनरेटर बंद हो जाए तो भी कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन रात में सो जाओगे तो हाथ से पंखा कैसे चलाओगे, कैसे चलाओगे? व्यवस्थाएं हैं। तो दुख से बचने की भी तरकीब है। क्या तरकीब है? विवेक कीजिए और संतोष कीजिए। विशाल देव कहते हैं, हमारे गुरु के गुरु थे विशाल देव, उन्होंने बड़ा मोटा ग्रंथ लिखा है, इतना मोटा, कबीर साहब से 3 गुना मोटा, बड़ा। लोग कहते हैं ये कबीर के अवतार थे वो भी। उन्होंने लिखा है, बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या, पढ़े पढ़े मन को से। ये 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात कहा है कि पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोस, कोस माने होता है जाल, कोशिकाओं का जाल, उससे कोस बना है। पढ़ा लिखा भी मन के जाल में फंसा है और अनपढ़ भी मन के जाल में फंसा है। बस थोड़ा क्वालिटी बदल जाती है अनपढ़ की और पढ़े लिखे की। यदि पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी विवेक नहीं है और संतोष नहीं, वो भी दुखी रहेगा, फिर क्या होगा? आप दुखी दूसर दुखी, कहो लाभ भई का। स्वयं भी दुखी और साथ में जितने लोग जुड़े हैं वो भी दुखी। कितने घरों में इतना दुख है, पति भी रोता है और पत्नी भी रोती है। जब पति रोता है तो पत्नी समझाती, जब पत्नी ज्यादा रोती तो पति उसको समझाता है। दोनों समझाए समझाए दोनों रोते हैं। बहुत दुख है।